से ही आरती करते हैं नंदा सुनंदा की। अभी चश्मा नहीं पहना है मम्मी, हुआ है क्या वो? हाँ एक ही चीज है, चाटो जंगे चाटो। मम्मी यहाँ पे जोत बना रही है नंदा देवी माता की, क्योंकि जो डोला आज उठता है उसमें जो आगे से जोत जाती है आरती, वो हमारे घर से जाती है, मेरे पापा लेके जाते हैं, तो मम्मी बनाती है इसे, डेकोरेट कर रही है अभी, है ना मम्मी? और ये जब भी आ गई है पीछे से, मिट्टी का बनाया हुआ है जो ये बनाया हुआ है, ये मिट्टी का बनाया हुआ है, और इसको इसमें अर्पण दे के, हमारे वहाँ ये शुभ माने जाते हैं, अर्पण दिए जाते हैं, अल्पना बनाई जाती है इसमें, और अभी इसमें दिए स्वास्तिक भी बनाया है। हाँ स्वास्तिक भी बनाया है, इसमें बत्ती रखेंगे और बत्ती रख के इसको डेकोरेट करके फिर इसकी वहाँ जब नंदा देवी नंदा सुनंदा का डोला जाता है तो इसकी आरती, इसकी आरती इससे ही आरती करते हैं नंदा सुनंदा की, राजा साहब। हाँ पहले राजा साहब आरती करते हैं, फिर उसके बाद ये पापा हमारे घर से ही चला हुआ है, पापा ले जाते हैं इसको हाथ में, पूरे नगर भ्रमण में जब नंदा सुनंदा का डोला जाता है तो पापा इसको अपने पापा ले जाते हैं और सब लोग इसकी आरती लेते हैं, आरती लेते हैं। तो मैं दिखाऊंगी जब पापा लेके जाएंगे तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मिट्टी का बनाया है मम्मी ने, मम्मी सीख गई है ना मुझसे जैसे मैंने। और ये आंटी आ गई, हेलो आंटी। हाँ आंटी मेला घूमाए कल? शाम को गए। शाम को गए झूले में बैठे? ना ना बैठाया, बच्चों को बैठाया। अच्छा कुछ लिया भी? क्या क्या खाया, खिलाने खिलाने लाया। अच्छा और क्या क्या लाए? ये बैठी होगी ना सोनू। हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज जैसे कि आपको पता होगा बहुत लोगों को कि आजकल चल रहा है नंदा देवी मेला और आज उसका लास्ट डे, आज डोला उठ रहा है, तो मैंने सोचा आज व्लॉग बना देती हूँ। और अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद जब डोला उठेगा तो मैं आपको दिखाऊँगी डोला उठते हुए, माता के दर्शन करवाऊँगी। यही हूँ मैं, तो अभी मैं आ गई हूँ दुकान में और अभी हम, मैं और मम्मी बैठे हैं और अभी हम जाएंगे बड़ी मम्मी के वहाँ। अभी तो टाइम है डोला उठने में, अभी तो 1:30 हो रहा है, 3:34 तक उठता है डोला। और अभी मेरी दोस्त भी आ रही है इशिता, फिर मे बी हम झूला झूलने जाएँ, मे बी नहीं जाएँ, देखते हैं क्या होता है। पापा यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। हेलो पापा, कहाँ के लिए तैयार हो? डोले में जाते हैं, आज आरती पकड़ते हैं, माता का डोला जाएगा, आज उनको विदा करते हैं। अच्छा आप तो बड़े ही स्मार्ट हैंडसम लग रहे हो। अभी चश्मा नहीं पहना है, पहनो ना, यहाँ पर धूप में बैठो। बाय बाय। और ये मम्मी भी बैठी है यहाँ पे और अभी हम जाते हैं बड़ी मम्मी के वहाँ। क्या हुआ? मम्मी बड़ी मम्मी के यहाँ जाएंगे। हाँ मम्मी की बहन आई थी और मम्मी के सर दर्द कर गई। सर दर्द करने गई आज सुबह, कल से हो रहा मेरा सर में दर्द। अच्छा क्योंकि वो सर दर्द तूने किया है। मैंने क्यों? क्यों कल आते ही डांट दी। हाँ तो गुस्सा आ रहा था फिर मुझे। ओके बाय। तो अभी मैं और इशिता आ गए हैं पापा के साथ झूला झूलने और अभी हम जाइंट व्हील में बैठे हैं और ये आसपास लगे हैं, बाजू में तो मैं नहीं बैठने वाली क्योंकि मुझे डर भी लगती है। और थोड़ा बहुत मैं शूट करके आपको दिखा दे रही हूँ क्योंकि फिर स्टार्ट हो जाएगा तो मैं कर नहीं पाऊँगी। तो हम अभी बड़ी मम्मी के वहाँ आ गए हैं और हम लोग सब लोग मिलके यहाँ से डोला देखते हैं। ये है मेरी बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, मेरी दोनों दादियाँ और मम्मी को नींद आ रही है और अभी चाची लोग भी आएंगे। और ये अभी तक डोला नहीं आए हैं और बहुत भीड़ हो गई है। और मम्मी बुआ है क्या वो? बुआ आ गई। मम्मी बुआ ने तो सरप्राइज दे दिया, बुआ ने झटका दे दिया। तो ये है कॉपर की बॉटल और इसमें हमें पानी पीना चाहिए, इसलिए मैं आप सब लोगों को भी दिखा रही हूँ कि मैं इससे पानी पी रही थी। तो आई थिंक डोला आ गया है, हम सब लोग भी खड़े हो गए थे अपने हाथों में चावल लेकर, भीड़ होने लग गई है तो आई थिंक आ गया है।
तो पुलिस वाले सब लोगों को बोल रहे हैं कि साइड हो जाओ ताकि किसी को लगे ना, और क्योंकि डोला आ रहा था और बहुत भीड़ आ रही थी तो इस वजह से सब साइड कर रहे थे सबको। ये छोलिया डांस वाले लोग आ गए हैं। छोलिया डांस इज़ ए ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ उत्तराखंड, और ये हर साल मेले में आते हैं और डोले के आगे ये लोग जाते हैं रनसिंग, ढोल, ढाल, तलवार, तुरी वगैरह लेकर, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे। और ये पिछौड़ा ओढ़कर सारी औरतें आती हैं डोले के सामने चलती है, एंड अब सब लोग बहुत सज के आते हैं और डोले के साथ जाते हैं माता को पहुंचाने। और ये देखो मेरे पापा आ गए आरती लेकर और हंस रहे हैं मुझे देख के, हमें देख के, और अभी आएंगे बड़े पापा के पास उन्हें आरती देने नीचे और सब लोगों को आरती देने। Thank you.
भीड़ थोड़ी सी कम हो गई थी तो मैं और बुआ आ गए हैं मंदिर और मम्मी घर चले गई है। डुबकी की कढ़ाई चाटते हुए बहुत मजा आ रहा है। पूरा आयरन 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 ही आयरन, सारा आयरन ले लिया मैंने और कढ़ाई चाटने के मजे भी ले लिया डुबके के भी। अब कोई टेंशन भी नहीं है, शादी 29 साल पहले हो गई थी कि यार कढ़ाई क्यों चाट रहे हो, बारिश पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं, चाटो जम के चाटो। ये हुई थी वैसे आपकी शादी में बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, तो मतलब चाटी हो गई आपने। चाटो फिर चाटो। ये देखो खरोड़ा, किनारे का खरोड़ा ये आ गया। तो बुआ अब जाने जा रही है और अब ये आएंगी दशहरे में। ये बाय बोल बुआ से, बुआ से बोल। जीते रहो जीते रहो। दशहरे में मिलेंगे तब वो ज्यादा दिन के लिए आएंगी, ज्यादा दिन के लिए आऊंगी तो गाइस वंस अगेन। तो अभी बुआ चली गई थी, उसके बाद मैं घर में थी, अभी मैं आई हूँ दुकान में मम्मी के साथ। वैसे तो आज मेला ख़त्म हो गया है बट हम फिर भी जा रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि दुकानें अभी भी लगी होंगी। क्या कहती है मम्मी, कुछ देख के आएंगे, क्या क्या है बचा कुचा हमारे लिए, खरीदारी करके लाएंगे, कुछ तो खरीदारी होगी है, कुछ और खरीदेंगे तो हम लोग देखते हैं कि अभी कुछ होगा वहाँ तो लेके आएंगे। और आज मैं इसलिए आई, मैं पूरे मेले में नहीं आ पाई क्योंकि ईजा की तबीयत ख़राब थी और आज इसलिए आई हूँ क्योंकि दीदी आ गई है तो वो ईजा के साथ है तो मैं आई हूँ। और मेरे उसमें कोई कमेंट भी कर रहा था कि नंदा देवी का व्लॉग आना चाहिए बट मैं गई ही नहीं मेला सच्ची में, है ना मम्मी बेटा। मेला जाती तो व्लॉगिंग करती, मेले में जा नहीं पाए, थोड़ा बहुत जितना भी लिया है वो डालेंगे जरूर। हाँ डोले का और कली मैं झूला भी झूल कर आई तो मैं वो भी दिखा दूँगी थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आज दिखा दूँगी। तो अभी जाते हैं, अभी तो पापा गए हैं, फिर आते हैं, फिर हम दोनों जाएंगे। हम लोग आ गए नंदा देवी और ये नंदा देवी तो बाहर की कुछ दुकानें बच्चे पीछे जो बच्चे हैं यहाँ पे शॉपिंग कर रही थी थोड़ी बहुत, और ये थोड़ी बहुत सजावट है जो बची है अभी, और ये मंदिर में लाइट्स जली थी बहुत सुंदर लग रहा था। और ये जो नंदा देवी मंदिर है उसके बगल वाले ग्राउंड में जो सारी शॉप्स लगती है वो सब हैं थोड़ी बहुत जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस सभी मम्मी लोग सब शॉपिंग कर रहे थे मेरा भी वाला दो के नहीं। तो अब ये डॉली चाची भी आ गई है हमारे साथ और अब ये दोनों मम्मी और ये दोनों मिलकर शॉपिंग कर रहे हैं। और इस शॉप से मम्मी और चाची दोनों ने इतनी शॉपिंग की है पहले भी और आज भी यहीं आ गए। और ये जो भैया है ये बहुत अच्छे हैं, फिर मेरी नज़र पड़ी मून पे और मैंने जल्दी से कैप्चर कर लिया। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर माता रानी के दर्शन करने, और आप लोग भी कर लीजिए, आपको भी मैं दिखा रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ हनुमान जी के दर्शन करने, हनुमान जी के मंदिर, और आप लोग भी कर लीजिए। ये हनुमान जी की मूर्ति और ये दीक्षित आ गया था बीच में मेरा फ्रेंड, और मैं देख रही थी आसपास की बिल्कुल भी नहीं था, इतनी सुनसानी लग रही थी क्योंकि एक हफ्ते का मेला था और पैर रखने की भी जगह नहीं थी मंदिर के अंदर, और आज बहुत खाली खाली सा लग रहा था। अब अगले साल फिर से वही होगा। और अब मैं गणेश जी के दर्शन करने आ गई थी और आप लोग भी कर लीजिए। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर डोला, जहाँ पे नंदा सुनंदा माता की मूर्ति यहीं पर थी, यहीं पर उन्हें रखा जाता है। मैं आ गई हूँ मंदिर के अंदर, मैंने सोचा आप सब लोगों को मैं पास से थोड़ा दर्शन करवा दूँ। और ये है माता रानी जो कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और आसपास भी बहुत
सुंदर तरीके से सजाया हुआ है माता को, पिछौड़ा जो उड़ाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रही है बहुत। और यहाँ पे लिखा हुआ है जय माँ नंदा सुनंदा। और आसपास भी ये जो ग्रास वगैरह ये बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। और ये है यहाँ के पंडित जी। ये मंदिर के बाहर बस मुझे एक दो शॉप्स दिख रही थी और इतनी सुनसानी है। मैं आपको एक रात पहले की वीडियोस दिखाती हूँ जो मेरे पास थोड़ी बहुत है। गई थी और हम लोग आधे घंटे में वापस आ गए थे, जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को दिखाया। एंड मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।